हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। BTSC ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है 2019 के लिए, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि 10,000 से ज़्यादा पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। 9,299 पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधी भर्ती है और आपका यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये वैकेंसी सितंबर 2019 की थी, जिसकी यहाँ पे डेट एक्सटेंड हुई है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधी भर्ती है। आप जल्दी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारे डिटेल प्रोवाइड करूंगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है BTSC बिहार रिक्रूटमेंट 2019 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, और इसमें जो टोटल पोस्ट है 9,299 पोस्ट है। लगभग 10,000 के करीब पोस्ट है, जो कि ट्यूटर, टीचर और स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसका जो लास्ट डेट है, ये एक्सटेंड हो चुका है, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 12 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इसका जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। आपको अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। बात करो इस वैकेंसी की, तो इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पहले, ये 3 महीने पहले ये वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन इसकी डेट एक्सटेंड की गई है। तो 12 नवंबर से 18 नवंबर के पास आपका टाइम है, आपके पास आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 10,000 पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। बात करो मैं यहाँ पर, टोटल 9,130 पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पर ट्यूटर पोस्ट के लिए हैं, और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 159 पोस्ट हैं। तो बेसिकली ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो बात करूँ दोस्तों मैं इसकी जॉब समरी की, तो ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है, BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। 9,299 वैकेंसी हैं टोटल यहाँ पे ट्यूटर और टीचर और स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए। और इसका जो लास्ट डेट होगा आपका यहाँ पे नवंबर का है, 18 नवंबर 2019 का रहेगा। और इसका जो ऑफिशियल URL है वो आपका रहेगा bihar.btcbih.nic.in पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। और बिहार के लिए ये जॉब है, ऑल ओवर इंडिया के लिए है। और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको BTSC नर्स और BTSC टीचर पोस्ट के लिए, जो कि आपको www.btscbih.nic.in पे आपको 18 नवंबर 2019 से आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको डेट 25 जो डेट है वो थोड़ा उसमें डेट को लेकर वो था, ये ऑलरेडी पहले की भर्ती थी जिसको कि एक्सटेंड किया गया, जिसकी डेट आगे के लिए बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रहेगी, आपको यहाँ पे 200 रुपये पे करना होगा जो फ़ीस आपकी रहेगी, और 50 रुपये SC और ST EBC कैंडिडेट के लिए और ओमेन कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ीस रहेगी। और अदर डिटेल्स जो है टेक्निकल सर्विस कमीशन की, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करें, तो 12 नवंबर से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 18 नवंबर 2019 को इसके एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएंगे। तो आपने अगर पहले आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते थे, आप किसी कारण से आप नहीं कर पाए, तो यहाँ पे सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि आपके लिए दोबारा मौका, यहाँ पे 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया गया, इसमें आप अपने दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए यहाँ पे 9,130 पोस्ट है, और ट्यूटर पोस्ट के लिए यहाँ पे 159 पोस्ट है। और पे स्केल की हम साथ में बात कर लेंगे, आपको लेवल 7 का पे स्केल मिलेगा, 7 CPC ग्रेड पे आपको मिलेगा, जो कि 4600 रुपये आपका ग्रेड पे होगा। ट्यूटर के लिए यहाँ पे लेवल 8 और 7 CPC ग्रेड आपका 4800 रुपये आपको मिलेगा। इसके साथ कुछ अलग पे आपको अलग मिलता है, ये आपका ग्रेड पे है, इसके साथ कुछ अलग चीज़ें मिलती है, जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सारे डिटेल मिल जाएगी। आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डाल दिए हैं। बात करूँ दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे रहेगा टीचर और स्टाफ नर्स के लिए, तो स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग कोर्स जो होता है GNM और ANM का,
तो यहाँ पे आपको जेएनएम का मांगा गया है, जेएनएम का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। आपने ट्वेल्थ पास करने के लिए बाद आपने जेएनएम किया तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और जो कैंडिडेट होगा वो बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जैसे हर चीज़ का एक वो होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर बनता है, तो बिहार का जो है जुडिशियंस ऑफ बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हो पटना में, तो उस बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूटर पोस्ट के लिए यहाँ पे एमएससी आपका नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या बेसिक या पोस्ट बेसिक आपने किया हो कोर्स आपने, और डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास हो, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात करूँ, 21 से 37 साल का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और कुछ एज रिलैक्सेशन मिलती है जो कि अदर कास्ट के लिए होती है, जैसे कुछ रिजर्वेशन कास्ट होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन मिलता है, तो उसकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका सिलेक्शन आपका बेसिक मार्क्स ऑफ रिलेवेंट कोर्स, आप अपने जो आपकी जॉब प्रोफाइल से आप जितने ज़्यादा रिलेवेंट होंगे तो आपके यहाँ पे मतलब चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप एक नॉर्मली पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने उस फील्ड में काम किया, उसका आपको नॉलेज है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि किसी को कुछ नहीं आता लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता तो उसको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी अच्छा है कि आपका जो बेसिक मार्क्स होगा, मतलब आपकी हर चीज़ जो होगी, जो रिलेवेंट कोर्स है, जो काम आपको दिया जाएगा, जैसे आप ट्यूटर पोस्ट है, नर्स पोस्ट है, उस चीज़ में आप जितने रिलेवेंट होंगे तो आपके यहाँ पे जो है सिलेक्शन का ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहेगा। सिंपली यहाँ पे लास्ट में हमारे पास सवाल आता है कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ आप एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेट पुरानी है, ये डेट अभी जो नई डेट आ रखी है उसके हिसाब से हम बात करें तो आपको 12 नवंबर से 18 नवंबर के बीच आपको अप्लाई करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नोटिफिकेशन लिंक हो गए, एप्लीकेशन लिंक मैंने सारे डाल दिए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस जॉब का बेनिफिट मिल सके। और अभी तक अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब पोस्ट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें।